बीजेपी ने यूपी की बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाके को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाके के नाम का ऐलान होते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। आपको बता दें, दुर्विजय सिंह शाके आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं और मौजूदा समय में ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में दुर्विजय सिंह शाके की अगुवाई में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में ब्रज क्षेत्र से अभूतपूर्व नतीजे आए थे। वे अच्छे संगठनकर्ता और कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। वे मूल रूप से संघ विचारधारा के साथ लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा ने उन पर विश्वास जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, दुर्विजय सिंह शाके का जन्म 12 फरवरी 1977 को बदायूं के ब्लॉक समरेर के ग्राम ब्रह्मपुर में स्वर्गीय वैद्य रामलाल शाके के परिवार में हुआ था। दुर्विजय सिंह शाके गांव ब्रह्मपुर से बेसिक शिक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वे हायर एजुकेशन के लिए बरेली चले गए। फिर उन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा बीएससी, बीएड, एमए पॉलिटिकल साइंस, लॉ की डिग्री, पीजी डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन से प्राप्त किया। वह बरेली के बिशप मंडल इंटर कॉलेज में शिक्षक भी हैं। दुर्विजय सिंह शाक की पत्नी भी शिक्षक हैं। उन्होंने अंतरजातीय विवाह पंजाबी समुदाय में किया है। उन्होंने बरेली निवासी मोना भाटिया से शादी की है। वे उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। दुर्विजय शाक के सन 1994 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। उन्होंने वर्ष 1995 में विद्यार्थी जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राजनीति और सामाजिक जीवन की शुरुआत की। वह वर्ष 1995 में सबसे पहले बरेली कॉलेज इकाई के सहमंत्री बने और वर्ष 1997 में बरेली में विद्यार्थी परिषद में महानगर महामंत्री, महानगर उपाध्यक्ष, विभाग संयोजक और प्रदेश सहमंत्री भी रहे। वर्ष 2001 में शाहजहांपुर में विद्यार्थी परिषद के विस्तारक के रूप में भी कार्य संभाला। उन्होंने वर्ष 2002 से विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मुरादाबाद रामपुर विभाग में संगठन मंत्री का दायित्व भी संभाला। आपको बता दें, साल 2002 में राम मंदिर आंदोलन के शिला पूजन कार्यक्रम के दौरान गिरफ्तार भी हुए और 14 दिन जेल में भी रहे। वर्ष 2007 में उसहैत विधानसभा से भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए कहा और वह तैयारी के लिए क्षेत्र में आए। उसके बाद उसहैत विधानसभा सीट गठबंधन में चले जाने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। वर्ष 2007 में भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। साल 2012 में प्रदेश सह संयोजक पिछड़ा प्रकोष्ठ भाजपा बने। साल 2014 में पांचाल क्षेत्र के उपाध्यक्ष बने। साल 2016 में ब्रज क्षेत्र के महामंत्री और साल 2020 में उपाध्यक्ष बने। इसके बाद मार्च 2023 से भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।